अलैक्म अच्छा जी हमने कल अपनी डिस्कशन शुरू की थी सोर्स ऑफ़ फाइनेंस पे और उसमें प्रमरली हमारी जो बात टॉपिक के लिहाज से हो पाई थी वो फैक्टर्स विच मस्ट बी कंसीडर्ड बाई सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रियट सोर्स ऑफ फाइनेंस कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है कैपिटल एसेट के लिए वर्किंग uh, कैपिटल के लिए इन्वेस्टमेंट में करने के लिए तो डिफरेंट ऑप्शन जो फाइनेंस की होती हैं उनमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डेट एक्विटी तो उनमें चूज़ करते हुए किन फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना चाहिए ये एक ब्रीफ़ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स थी जो हमने कल डिस्कस की थी आ, कुछ कोशिश की गई कि इन फैक्टर्स के साथ साथ तो उनका तो रैशनल लॉजिक भी आपको बताया जाए क्योंकि तो ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आपको इसी तरह लिस्ट डाउन करने को कहा जाए आपको एक सिनेरियो दिया जा सकता है बल्कि माजी में फिर रिकॉल करेक्टली ऐसे सवाल आए हुए हैं जिसमें कहा जाता है कि कंपनी इन इन सोर्सेज से फाइनेंस रेज करने के बारे में सोच रही है तो इनके एडवाटेज और डिसडवाट को डिस्कस कीजिए तो ये इन अ वे एडवांटेज डिसएडवाटेज हमने आगे चाहे पढ़ने हैं बट ये भी टू सम एक्सटेंट उन्हीं को ही आपको हाईलाइट कर रहे हैं जैसे दिस इज एडवांटेज ऑफ गेटिंग दैट दिस इज़ एडवांटेज ऑफ एक्विटी ठीक है तो ये आपको एडवांटेजेस की तरफ कुछ ना कुछ वहाँ पे हिंट दे रहे हैं आगे चलते जाएँगे मजदूर इनमें फैक्टर्स ऐड होते जाएंगे कोई सवाल कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आया कल के लेक्चर से कोई आप डिस्कशन करना चाहते हो कल जो रीडिंग की हो घर जाके उससे कोई सवाल अच्छा जी हमें वन बाय वन डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस को डिस्कस करना है और वी स्टार्ट अवर डिस्कशन विथ एक्विटी फाइनेंस लेट्स रिज्यूम आफ्टर डिस्कसिंग द अब फैक्टर्स वी है फाइनेंस फ्राम एक्टी एक्टी से मारा शेयर होल्डर से हम पैसा raise करने का फ़ैसला करते हैं तो, तो उसके लिए फिर हम थोड़ा सा equity को understand करते हैं कि equity investment होती क्या है और equity investor से जो पैसा लेने हैं उसके बदले हम उसको क्या offer करते हैं तो सबसे पहले ये return Uh, जो हम एक्विटी इन्वेस्टर को देते हैं या एक्विटी इन्वेस्टर जब आपका पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको दो तरह से रिटर्न आती है एक कैपिटल गेन एक डिविडेंड्स क्या फ़र्क है जी दोनों में कैपिटल गेन और डिविडेंड में एक्विटी इन्वेस्टर किसी भी इन्वेस्टमेंट से दो तरह से रिटर्न हासिल करता है एक कैपिटल गेन और एक डिविडेंड्स जी कौन बताएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ रिटर्न्स जी बेटा बिल्कुल ठीक है किसी भी एक्विटी इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिलती है एक्विटी इन्वेस्टमेंट से जो हम टोटल रिटर्न ऑफ एक्विटी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं उसके दो हिस्से होते हैं कैपिटल गेन और एक डिविडेंड डिविडेंड इज़ द शेयर फ्रॉम द एनुअल प्रॉफिट्स उसमें उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वेयर एज कैपिटल गेन इज़ द इंक्रीज इन शेयर प्राइस आपने जो शेयर ख़रीदा अगर उसकी प्राइस में इजाफ़ा होता है तो वो जो इंक्रीमेंटल आपको वैल्यू हासिल हो रही है वो कैपिटल गेन है विच कैन बी रियलाइज बाय सेलिंग शेयर अगर आप शेयर बेच देते हैं तो यू कैन रियलाइज़ कैपिटल गेन सौ रुपये का शेयर खरीदा एक का बेच दिया तो दस रुपये का कैपिटल गेन आपने कमा लिया डिविडेंड इसके अलावा कंपनी ने बांटा तो वो इसके अलावा है अच्छा जब मैं एकविटी फाइनेंस की बात करते हैं तो कंपनी दो तरह के शेयर्स इशू कर सकती है टू रेज एक्विटी फाइनेंस एक शेयर होते हैं एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं इनता उनसे तारुफ है आपका ऑर्डिनीशर्स प्रेफरेंस शेयर्स दोनों से आपका तारुफ है इन दोनों को हम एक्टी में क्लासीफाई करते हैं और इनको समझने के लिए मुझे लगता है हम ऊपर डेफिनेशन नहीं ये यही डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स हैं इन पर ही बात कर लेते हैं कि इनमें फ़र्क क्या रहता है सबसे पहला फ़र्क डिविडेंड रेट्स का है शेयर्स का डिविडेंड आपका वेरिएबल होता है कंपनी के प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है जबकि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड जो एक्विटी ऑर्डनरी शेयर्स का डिविडेंड है वो सिर्फ तब पे फे पे किया जाता है जब कंपनी के स्पेयर फंड्स हैं और uh, जो आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड भी स्पेयर फंड्स में दिया जाएगा लेकिन इनका राइट ऑर्डनरी शेयर होल्डर से पहले होता है तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डनिट शेयर होल्डर्स के ऊपर इनको प्रेफरेंस दी जाती है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फंड्स के केस में वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो वो लिक्विडेशन के केस में एक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन का केस हो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो भी ऑर्डिनी शेयर होल्डर्स के ऊपर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला राइट मिलेगा और लिक्विडेशन होगी कंपनी अब आप, आप एक्विटी कंपनी को लिक्विडेशन के बाद तमाम एसेट डिस्पोज ऑफ करने के बाद इन्वेस्टर को पैसा वापस कर रहे हैं उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला राइट मिलता है फिर जो बचेगा पैसा वो ऑर्डिनेट शेयर होल्डर के पास जाता है वोटिंग राइट्स ऑर्डिट शेयर होल्डर नॉर्मली दे हैव द वोटिंग राइट्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दे हैव नो वोटिंग राइट इनके पास मेम्बर अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में वोट देने के लिए कोई राइट नहीं होता अच्छा हमारी ज़्यादातर डिस्कशन जहाँ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि हमारी ज़्यादातर जो डिस्कशन होने वाली है वो ऑर्डिनी शेयर्स के रेफरेंस होने वाली है यहाँ पे हाल दो हमने टर्म यूज़ की कि किटी फाइनेंस रेस करने के दो तरीके लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रेफरेंस से करना पड़ता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो आपने पढ़ा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को आप एज एक्टी ट्रीट करते हो लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम आगे चल के देखेंगे कि इसको एक और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा सब्सटेंस ऑफ फॉर्म का पढ़ा हो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म किसी को कुछ याद है मैं थोड़ा भूल गया हूं थोड़ा सा सब्सटेंस ओवर फॉर्म जी बेटा जी सब्सटेंस ओवर फॉर्म कोई और बच्चा इस टर्म को जरा बता सके क्या चीज है क्या कॉन्सेप्ट है सब्सटेंस ओवर फॉर्म का जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कॉन्सेप्ट में हमें बताया जाता है कि आपको किसी भी ट्रांजैक्शन की फॉर्म से ज़्यादा सब्सटेंस को आपको देखना चाहिए जैसे हम आ, इसी बात इसी एग्जांपल की बात ले लें हमने कहा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एक्विटी इन्वेस्टर हैं लेकिन साथ हम ये भी कह रहे हैं कि इनका रेट ऑफ रिटर्न फिक्स होता है अब इन सब्सटेंस जिस इन्वेस्टर का रेट ऑफ रिटर्न फिक्स हो जाता है वो फिर एक्विटी इन्वेस्टर कहाँ का रहा नफा नुकसान में जिम्मेदार कहाँ एक्विटी इन्वेस्टर तो नफ़ा नुकसान में ज़िम्मेदार होता है ना तो लिखने फॉर्म तो प्रेफरेंस शेयर्स की एक्विटी नजर आ रही है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कह रहे हैं हम इसको और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हम इसको एक्विटी में क्लास एक कर रहे हैं लेकिन सब्सटेंस फॉर्म सबसे के कॉन्सेप्ट के देखते हैं देखें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में और शेयर होल्डर्स पर उनको प्रेफरेंस भी दी जा रही है डिविडेंड की पेमेंट के ऊपर भी लिक्विडेशन के पेमेंट में भी उनको रेट ऑफ रिटर्न भी फिक्स रखा जा रहा है उनको वोटिंग राइट right भी नहीं दिया जा रहे तो फिर कहाँ का एक्विटी इन्वेस्टर हुआ ये तो फॉर्म तो शायद इनकी एक्विटी इन्वेस्टर की है बट इन सब्सटेंस ये डेट होता है हम अगला चैप्टर जाके पढ़ेंगे जब आ, इसमें बेसिकली फीचर्स कुछ ना कुछ दोनों के आ जाते हैं नाम में शेयर कैपिटल है हाँ एक फीचर इनमें एकविटी वाला जरूर है तो इनका जो डिविडेंड होता है जो तो टैक्स लाअबल नहीं होता ये एक्विटी वाला फीचर है क्योंकि डेट का इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स लावल एक्सपेंस है लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड है वो टैक्स लावल एक्सपेंस नहीं तो ये एक फ़ीचर उनका थोड़ा सा एक्विटी वाला है नाम के साथ भी एकविटी लगी हुई है इसलिए इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो ज़रूर एक्विटी दिखाया जाता है बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस इसमें डिस्कशन की हद तक तो हम इसको एक्विटी ज़रूर कह रहे हैं लेकिन जब बात आएगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्लासिफिकेशन की गेयरिंग रेशो की तो फिर हम इसको लॉन्ग टर्म डेट में क्लासीफाई है करते हैं वहां पर जाकर जी बेटा जी बेटा नहीं ये इसमें एक ये भी फीचर है कि प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड दिया जाएगा डिविडेंड प्रॉफिट्स में से दिया जाएगा लेकिन फिक्स रेट पे दिया जाएगा तो भी मैंने कहा ना कुछ फीचर इसमें एक्टिव वाले हैं कभी प्रॉफिट होंगे तो रिटर्न आएगी लेकिन साथ ही ये भी आगे रिटर्न का रेट फिक्स है फिर इसमें एक और चीज़ भी होती है ना प्रेफरेंस शेयर्स में टिव और नॉन क्यूमलेटिव प्रेफरेंसेस भी होते हैं भी एक टर्म आ गई अब इसमें देखते हैं कुछ फीचर कैसे आ गए आगे तो रेडीमेबल का मतलब तो, तो डेट होता है रिपेबल तो फिक्स होते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट तो नॉर्मली रिडीमेबल होती है कि आपने एक कंपनी को पैसा दे दिया कंपनी शेयर का पैसा वापस नहीं करती लेकिन प्रेफरेंस शेयर में रिडीमेबल की ऑप्शन भी आ जाती है रिडीमेबल भी हो सकते हैं फिर मैं बात कर रहा था नॉन क्यूम प्रेफरेंस का एक फीचर ये भी होता है कि आपका अगर लॉस है तो पे तो नहीं किया आपको लेकिन क्यूमुलेटिव डिविडेंड है अगले साल अगर प्रॉफिट आ गया तो दोनों सालों का दे देंगे अब ये भी फीचर होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हम इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव शेयर कैपिटल कि आपका प्रॉफिट अगर किसी साल पे नहीं हुआ तो अक्यूमुलेट होता जाएगा जिस साल प्रॉफिट आएगा ज़्यादा उस साल पिछले सालों के तो भी पे किए जाएंगे डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव होता है कि भाई नहीं जिस साल का डिविडेंड उस साल के मुनाफे में से पे होगा अगर किसी साल मुनाफा नहीं हुआ तो फिर आपको उस साल डिविडेंड नहीं मिलेगा अगले साल के प्रॉफिट में से सिर्फ अगले साल का डिविडेंड ही मिलेगा तो ये नॉन क्यूमुलेटिव हो गए सो इसमें हम कहते हैं कि प्रेफ्रेंसिस में कुछ फीचर एक्विटी के होते हैं कुछ फीचर डेट के होते हैं इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये एक्विटी के तौर पर क्लासिफाई होते हैं हम यहां पे भी इसको ऐसा एक्विटी इन शेयर होल्डर के तौर पे देख रहे हैं लेकिन सबसे ओवर फॉर्म के तहत जब हम आगे चलेंगे तो शायद हम इसको ज्यादातर डेट की टर्म में देख रहे होंगे इसको जी कोई सवाल जी अगर प्रॉफिट आपका है तो सिक्स प्लस सिक्स बिल्कुल ऐसे ये पिछले साल का एरियर बुक हो गया पे नहीं वालाइबिलिटी बुक हो चुकी है जब प्रॉफिट्स आएंगे तब पे हो जाएगा क्यूमुलेटिव में आप बुक कर लेंगे लाइबिलिटी को और अक्यूमुलेट होते जाएंगे प्रॉफिट जब आएंगे तब आप पे कर देंगे अच्छा अब एक्विटी फाइनेंस में अब हम ऑर्डनरी शेयर्स की तरफ जा रहे हैं ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स की तरफ जा रहे हैं उनकी बात करने जा रहे हैं और उसमें एक सबसे पहली टर्म है फ्लोटेशन ऑर्डनी शेयर्स के रेफरेंस से फ्लोटेशन से मुराद क्या है ये टर्म भी आपने शायद सुनी होगी नहीं सुनी फ्लोटेशन से मुराद होता है अपने शेयर्स को कंपनी के शेयर्स को स्टॉक चेंज में लिस्ट करवाना फ्लोटेशन से मुराद होता है शेयर्स को स्टॉक मार्केट में फ़्लोट करना या शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाना एक कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाने के बारे में क्यों सोच सकती है क्या फायदे क्या हैं बेनिफिट्स क्या हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के कोई बता सकता है जी ये बेटा

अपने कोई अपने शेयर्स बेचना या उस कंपनी के शेयर्स खरीदना दे कैन गो टू द स्टॉक एक्सचेंज ए कैन दे कैन बाय एंड सेल द शेयर्स ऑफ द कंपनी थ्रू स्टॉक एक्सचेंज दिस इज वॉट इज लिस्टिंग लिमिटेड जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो अनलिस्टेड कंपनी लेट लेफ्ट दिस वे जो अनलिस्टेड कंपनी है उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते दे डोंट हैव अ मार्केट वैल्यू दे डोंट हैव अ मार्केट इनफैक्ट जहाँ पे आप अपने शेयर्स बाय या सेल कर सकें तो अनलिस्टेड कंपनीज के शेयर्स अगर कोई बाय सेल होने हैं तो दो इंडिविजुअल्स के दरमियान डील होनी है मैं अगर किसी हेयर लोग को जानता हूं मैं उससे रबता करूंगा शेयर खरीदने के लिए और फिर हम बैठ के निगोशिएट करेंगे प्राइस एग्री करेंगे एट इफ़ दिस हैज़ टू हैपन और उस प्राइस पर हम फिर शेयर बाइंग सेलिंग करेंगे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड शेयर्स के बारे में ऐसा ज़रूरी नहीं है आई डोंट नेली नीड टू नो एनी बायर आई विल जस्ट वॉक इन द मार्केट और वहाँ तो शेयर्स तो अवेलेबल तो है फॉर सेल मुझे जितने शेयर्स लेने हैं और मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रही है एक टैग लगा हुआ है प्राइस का मैं उस प्राइस टैग पे शेयर्स को वहां से बाय कर सकता हूँ देन आई कम टू गेन माय पॉइंट ये मैंने डिफ्रेंशिएट किया लिस्टिंग और अनलिस्टेड शेयर्स को वाई अ कंपनी शुड गेट इट्स शेयर लिस्टेड जी बिल्कुल ठीक है जब एक कंपनी के शेयर्स लिस्ट हो जाते हैं देखें शेयर्स मैं अगर एक कंपनी का शेयर होल्डर हूं आप उस कंपनी के शेयर बाय करना चाहते आपने मुझसे अगर शेयर बाय कर लिए तो इससे कंपनी को तो पैसा नहीं मिला ना आपके शेयर इसने बाय कर लिए इसके शेयर उसने बाय कर लिए उससे कंपनी को तो कोई पैसा नहीं मिला लिस्टिंग का फायदा क्या होता है पहला फायदा जो मेन फायदा जिसके पीछे कंपनी जाती है कि जब एक कंपनी के शेयर लिस्ट हो जाते हैं और लिस्टिंग के बाद कंपनी अगर चाहे नए शेयर इशू करना कंपनी ने कोई नई फैक्ट्री लगानी है कंपनी ने कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है और कंपनी लिस्टेड है उसको शेयर्स के थ्रू फाइनेंस रेज करना है एक्विटी फाइनेंस रेज करना है तो लिस्टेड कंपनी कैन ऑफर देयर शेयर फॉर सेल टू पब्लिक थ्रू एन इन्विटेशन एक अखबार में इश्हार दे के आप पब्लिक को इन्वाइट कर सकते हो टू बाय योर शेयर इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ लिस्टेड कंपनी आप एडवर्टाइज कर सकते हो पब्लिक को इन जनरल एंड यू कैन इन्वाइट देम टू इन्वेस्ट इन योर कंपनीज शेयर लेकिन अगर आप अनलिस्टेड हैं तब आप पब्लिक को इन जनरल इन्वाइट नहीं कर सकते आपको डोर टू तो डोर जा के लोगों को बताना है कि जी आपकी कंपनी को पैसे की ज़रूरत है आप अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकते तो so लिस्टेड में जो कंपनीज जाती हैं उनका एक सबसे बड़ा एडवांटेज दे कैन इनवाइट पब्लिक एट लार्ज टू इन्वेस्ट इन देयर प्रोजेक्ट्स और दूसरा जो एडवांटेज एसोसिएटेड आता है लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट एक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव हो जाती है क्योंकि लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट लिक्विड होती है लिक्विड से मराद इट कैन बी रेडिली कन्वर्टेड इन कैश लिस्टेड कंपनी के में अगर कोई इन्वेस्टर शेयर लेगा तो उसका पता है मैंने आज शेयर बाय किए मुझे कल को पैसे की ज़रूरत होगी मैं स्टॉक चेंज में जाके बेच सकता हूँ अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको ये फ़ियर है कि कल को मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास कोई मार्केट नहीं है जहाँ पर मैं शेयर बेच सकूँ मुझे वन टू वन डोर पे जाके अपने दोस्तों को साथियों को बताना पड़ेगा भाई मैं शेयर बेचना चाह रहा हूँ फिर उन्हें मुझे उनसे प्राइस निगोशिएट करनी पड़ेगी क्योंकि अनलिस्टेड शेयर्स की कोई प्राइस भी नहीं होती फिर प्राइस मुझे उनसे निगोशिएट करनी पड़ेगी फिर कहीं जाके मैं अपने शेयर्स बेच पाऊँगा सो सो एक्टी फाइनेंस रेज करना हो एक लिस्टेड कंपनी तो लिस्टेड कंपनी के पास हम कहते हैं दो मेजर एडवांटेजेज आए एक एक्विटी शेयर्स आर मार्केटेबल सो इट इज़ एट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर एक्विटी इन्वेस्टर के लिए ये एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये मार्केटेबल है ये लिक्विड है और दूसरी बात इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्टिव है एंड यू कैन इन्वाइट पब्लिक एट लार्ज आप अखबार में इश्तार दे के लोगों को बुला सकते हो कि जी मेरी कंपनी में इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करो मैं शेयर बेच रहा हूँ अपना अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स पब्लिकली इन्वाइट भी नहीं कर सकते लोगों को और लोगों को यह भी डर है कि मैंने इसमें पैसा लगा दिया कल को इसमें बिकना भी नहीं है शेयर ने मुझे दिक्कत होगी शेयर बेचने में तो अगर मैं ब्रॉडली स्पीकिंग देर आर मैनी अदर एडवाटेजेस एंड फ्यू डिसनली स्पीकिंग इन्हीं दो points को लेके आगे चलता हूं कि लिस्टेड कंपनी के पास फायदे क्या हैं अब हम बात करने जा रहे हैं कंपनी ने अगर लिस्टेड होना है उसके तरीकेकार क्या है क्या क्या मैथड्स हैं जिनकी मदद से कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा सकती है सबसे पहला जनाब एक मेथड जो लिस्टिंग का अवेलेबल है दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको हम एब्रीविएट करते हैं आईपीओ। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का एक तरीका है कि आप पब्लिक को शेयर्स फॉर सेल ऑफर करें विद स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल और जब फर्स्ट टाइम कंपनी पब्लिक को शेयर ऑफ़र करती है तो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कहते हैं आप अपनी कंपनी को लिस्टेड करवाना चाहते हैं आप स्टॉक स्टॉक्सचेंज के पास जाते हैं स्टॉक चेंज से अप्रूवल डिमांड करते हैं कि जी मैंने अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना है तो मुझे इजाज़त दी जाए मेरा आप क्वालिफ़िकेशन देख लीजिए मेरा रिकॉर्ड देख लीजिए मेरी स्टेटमेंट देख लीजिए मेरी अंडरटेकिंग देख लीजिए और मुझे परमिशन दी जाए कि मैं आईपीओ करूं मैं पब्लिक को अपने शेयर फॉर सेल ऑफर करूं स्टॉक्सचेंज अगर कंपनी के रिकॉर्ड से उसकी परफॉर्मेंस से उसकी सबमिशन से सेटिस्फाइड है स्टॉक चेंज में अलाउ कंपनी लिस्टिंग एंड आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर ठीक है जी आप हम आपको लिस्टिंग की इजाजत देते हैं आप पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर कर दीजिए सो थ्रू आई एक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती है अब हम थोड़ी सी आईपीओ की बात करें आईपीओ कैन बी मेड एट द फिक्स प्राइस और ऑफर फॉर सेल बाय टेंडर ये दो डिफरेंट सी टर्म है फिक्स प्राइस ऑफर में होते हैं कि कंपनी जो शेयर ऑफर कर रही है उसकी प्राइस फिक्स की जाती है कि जी हमें अपने एक्स प्रोजेक्ट के लिए से चार अरब रुपए चाहिए और हम अपने शेयर्स दस रुपये पर रुपीस पर शेयर के हिसाब से ऑफर कर रहे हैं फिक्स प्राइस तो जो लोग हमारे कंपनी के एक्स प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं दे कैन डिपॉज़िट द मनी इन वाई बैंक बाय दिस डेट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़ पर शेयर सो so, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होते हैं दे विल डिपॉज़िट द मनी और कंपनी विल अकॉर्डिंगली इशू शेयर्स फ़िक्स प्राइस प्राइस अनाउंस कर दी जाती है लेकिन एक ऑप्शन ये भी होती है ऑफ़र फॉर सेल बाय टेंडर कि कंपनी प्राइस फ़िक्स नहीं करती कंपनी इन्वेस्टर से कहती है कि आप बताइए आप किस प्राइस पे मेरा शेयर ख़रीदना चाहेंगे कि जी मुझे चार अरब चाहिए प्रोजेक्ट के लिए आप बताइए आप कितने शेयर्स और किस प्राइस पर ख़रीदने में इंटरेस्टेड है अब हर इन्वेस्टर अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेगा कोई कहेगा जी मुझे दस शेयर दे दें दस दे, रुपये के हिसाब से कोई कहेगा जी मुझे पाँच हज़ार शेयर दे दें ग्यारह रुपये के हिसाब से कोई कहेगा जी मुझे पचास हज़ार शेयर दे दें बारह रुपये के हिसाब से एवरी इन्वेस्टर विल डू इट्स ओन कैलकुलेशन एंड दे विल सबमिट देयर टेंडर कितने शेयर किस प्राइस पे खरीदने में इंटरेस्टेड हैं अब ये शेयर की प्राइस कैसे डिटर्मिन की जाती है ये हमारा स्कोप सी फैप क्या है, है? यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे हमारे लिए सिर्फ इतना ही जानना काफ़ी है कि एक फ़िक्स प्राइस में कंपनी प्राइस अनाउंस करती है जी मैं इस प्राइस पे अपने शेयर ऑफर कर रहा हूँ और ऑफर फॉर सेल बाय टेंडर में कंपनी नहीं शेयर हो इन्वेस्टर से कहा जाता है आप बताइए आप किस प्राइस पे हमारे शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं टेंडर जब आ जाते हैं तो टेंडर्स को रिव्यू करके फिर कंपनी प्राइस ख़ुद उस टेंडर में से सिलेक्ट करती है कि इस टेंडर की बेसिस पे मुझे दस रुपये पे शेयर इशू करने चाहिए ग्यारह पे इशू करने चाहिए क्योंकि हमने ख्याल रखना है कंपनी मस्ट रेज फोर बिलियन रुपीज़ तो ऑफर फॉर सेल बाय टेंडर में सिंपल वर्ड्स में प्राइस इज नॉट फिक्स इन्वेस्टर्स आर आस्ट टू सबमिट देयर कोटेशन या टेंडर्स अच्छा जी अब जब ये टेंडर आ गए तो होगा क्या होता ये है फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए चार अरब आपके पास टेंडर आए लेट्स रिज्यूम मैं कहता हूँ थ्री मिलियन शेयर्स का टेंडर आया आपके पास जिसमें इन्वेस्टर ने कहा वी आर विलिंग टू बाय शेयर्स एट से टेल्व तो अगर मैं बारह रुपये और चले मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ मेरे पास दस मिलियन शेयर का टेंडर है जिसमें इन्वेस्टर इज़ विलिंग टू बाय एट अलेवन मेरे पास पंद्रह मिलियन शेयर का टेंडर है जिसमें इन्वेस्टर्स विलिंग टू बाय एट टेन कंपनी के पास ये टेंडर आए कंपनी अब रिव्यू कर रही है कि उसको क्या प्राइस सेट करनी है कंपनी अगर बारह रुपये पे प्राइस सेट करेगी तो कंपनी कितने शेयर्स बेच पाएगी सिर्फ तीन मिलियन और कंपनी को रेज होंगे सिर्फ थर्टी सिक्स मिलियन ऐसा ही है फाइनेंस अगर प्राइस 12 पे सेट की जाएगी तो इट विल 36 मिलियन लेकिन अगर कंपनी प्राइस 11 पे सेट करेगी तो कंपनी कितने शेयर बेच पाएगी 13 मिलियन कितने फाइनेंस रेज हो जाएगा जी 13 इंटू अलेवन थर्टीन इंटू अलेवन जब प्राइस 11 पे सेट की जाएगी तमाम शेयर लोगों को उसी एक ही प्राइस पर शेयर इशू किए जाते हैं कितना जी वन थ्री मिलियन अगर कंपनी प्राइस दस पे सेट करेगी तो कंपनी कितने शेयर्स बेच पाएगी थर्टीन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट इंटू टेन मिलियन एंड सो ऑन कंपनी ने प्राइस टेंडर में से खुद ही सिलेक्ट करनी है लेकिन प्राइस वो सिलेक्ट करनी है जिस पे रिक्वायर्ड फंड रेज हो जाए तो बारह सेक्ट करोगे प्राइस तो सिर्फ छत्तीस मिलियन है ग्यारह सेट करोगे तो एक मिल जाएंगे दस प्राइस सेट करोगे तो दो मिल जाएंगे आप देख लो आपको कितना पैसा चाहिए जितना पैसा चाहिए उस हिसाब से प्राइस सेट कर लो अगर आपका एक आप मिलियन से गुजारा हो जाता है प्रोजेक्ट लग जाता है तो आप प्राइस ग्यारह रख लो लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा पैसे चाहिए तो उसका मतलब तो प्राइस आपको फिर दस पे लानी पड़ेगी ठीक है तो टेंडर में डिफरेंट प्राइसेस इन्वेस्टर सबमिट करेंगे कंपनी को क्या प्राइस सूट करती है कंपनी अपनी फाइनेंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करेगी प्राइस एक ही डिसाइड की जाएगी जिसपे तमाम शेयर होल्डर्स को फिर शेयर इशू किए जाते हैं कंपनी अगर प्राइस दस रुपए रखती है तो तमाम शेयर होल्डर को फिर दस रुपए के हिसाब से शेयर इशू की जाएंगे जिसने बारह रुपए का टेंडर दिया है उसको भी दस रुपए के हिसाब से शेयर दिए जाते हैं जी बेटा कंपनीज के बारे में आपको पता है देर इज ऑथोराइज शेयर कैपिटल अप टू द एक्सटेंट ऑफ ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंपनी कैन इशू इट्स शेयर्स ठीक है ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिमिट होती है ना मैक्सिमम कितना फाइनेंस रेज कर सकते हैं आपको स्टॉक एस सी से इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है एस को उसकी फीस देनी पड़ती है और उस अप्रूवल के मुताबिक आपको एक ऑथोराइज शेयर कैपिटल अलॉट हो जाता है जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स आपको अलॉट कर दिए जाते हैं कि जी दस रुपये के हिसाब से आपसे चार अरब शेयर इशू कर सकते हैं इसका मतलब आप फोर्टी बिलियन का शेयर कैपिटल रेज कर सकते हैं आप जितनी ज़रूरत है विद इन दैट लिमिट आप पब्लिक को शेयर ऑफर कर सकते हैं इफ़ यू आर लिस्टेड कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल इज द सीलिंग आपको जो प्रोवाइड की जाती है एस की तरफ से सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से जी हमने आईपीओ की बात की इनिशियल पब्लिक ऑफ़र की बात की और उसमें हमने फिक्स्ड प्राइस ऑफर और ऑफ़र फॉर सेल बाय टेंडर इन दो टर्म्स को समझा कोई सवाल आईपीओ में नॉर्मली आईपीओ के साथ एक अंडर राइटिंग की भी टर्म यूज़ की जाती है अंडर राइटिंग क्या होता है जी जानते हैं वट इज़ अंडर राइटिंग जानता है कुछ सुनिए मैडम पढ़ लिखे बच्चे नहीं यहाँ बैठे हुए कोई हैं अंडर राइटिंग की टर्म अक्सर बच्चों ने सुनी होती है क्या लॉ पढ़ा हुआ क्या किसी बच्चे ने लॉ में शायद आती है टर्म लॉ कितने बच्चे ने पढ़ा हो पढ़ा पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं है है? जो पढ़ चुके हैं वो कितने हैं इसमें अंडर राइटिंग की टर्म नहीं है लॉ लॉ मतलब सी लॉ नॉट बी लॉ सी लॉ सी लॉ कितने बच्चे पढ़ चुके हैं पढ़ चुके हैं जो पढ़ चुके हैं अंडर की इतना नहीं पढ़ी भी आपने पढ़ी हुई है तो फिर ना ना क्यों कर रहे थे बताओ वाला उस बच्चे ने पढ़ी यार बताता है अभी हाँ बोलो वट इज अंडर राइटिंग कोशिश करो कोई बुकिश डेफिनेशन नहीं मुझे चाहिए आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि आपको कुछ समझ बेसिक अंडरस्टैंडिंग या कोई यादाश्त है इसके बारे में वट इज अंडर राइटिंग जी बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है बात इस अंडर राइटिंग की पब्लिक ऑफर के साथ स्टॉक uh, की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने अगर पब्लिक ऑफर में जाना है तो योर पब्लिक ऑफर मस्ट बी अंडर रिटर्न उसकी अंडर राइटिंग एग्रीमेंट होने चाहिए अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं uh, इट इज गारंटी बाय समाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बाय द अनसोल्ड शेयर आप पब्लिक को शेयर ऑफर करते हैं कोई गारंटी है पब्लिक सारे शेयर बाय कर लेगी आपसे हो सकता है पब्लिक को आपका प्रोजेक्ट ही पसंद ना आया हो सकता है पब्लिक को आपकी प्राइस ही पसंद नहीं आई सो व्हेन यू ऑफर योर शेयर टू पब्लिक देर इज ऑलवेज अ रिस्क ऑफ फेलियर योर पब्लिक इशू में फेल पब्लिक इश्यू की फेलियर से मुराद क्या है कि कंपनीज़ अन एबल टू सेल ऑल द शेयर्स जितने शेयर्स उसने ऑफ़र किया पब्लिक को फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कंपनी को जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था चार अरब की ज़रूरत है आपकी कंपनी को चार अरब की ज़रूरत है और आपका शेयर की फे वैल्यू दस रुपये पर शेयर है तो इसका मतलब आपको फोर हंड्रेड मिलियन शेयर्स एट रुपीज़ टेन ऑफर करने ऐसा ही है? फोर हंड्रेड मिलियन शेयर एट रुपीज टेन ऑफर करने हैं ताकि आप रुपीज फोर बिलियन इकट्ठे कर सको देर इज ऑलवेज अ रिस्क के पब्लिक विल नॉट ट्रस्ट पब्लिक मे नॉट ट्रस्ट योर प्रोजेक्ट पब्लिक मे नॉट गिव यू द रिक्वायर्ड मनी तो इसके लिए अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स चाहिए होते हैं स्टॉक चेंज अंडर राइटिंग एग्रीमेंट के बगैर आपको आई पी ओ अलाउ नहीं करती आपको इजाज़त नहीं मिलेगी पब्लिक ऑफर की अंडर राइटिंग क्या है कि कंपनी मस्ट ऑप्टेन गारंटी फ्रॉम वन और मोर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बाई अनसोल्ड शेयर पब्लिक ऑफर में जितने शेयर्स अनसोल्ड रह जाएंगे वो एक या एक से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे गिव यू गिव द कंपनी गारंटी टू बाय अंडर एग्रीमेंट किए जाते हैं हो सकता है कोई एक बैंक कहे जी 100% परसेंट अनसोल्ड शेयर मैं बाय कर लूँगा हो सकता है दो बैंक मिल के कहते हैं जी फिफ्टी परसेंट ऑफ अनसोल्ड शेयर हम ले लेंगे हो सकता है चार बैंक मिल जाए कहें ट्वेंटी फाइव परसेंट ईच अनसोल्ड शेयर हम ले लेंगे या कोई कहे जी पच्चीस माए ले लूंगा दस माई ले लूंगा पाँच मै ले लूँगा सो इन अ वे इन एनी केस कंपनी मस्ट हंड्रेड परसेंट मस्ट एंड ट्रेन अंडर राइटिंग एग्रीमेंट फॉर द हंड्रेड परसेंट ऑफ अनसोल्ड शेयर अगर आप पास तो अंडर राइटिंग एग्रीमेंट्स नहीं हैं, तो पब्लिक ऑफर की अप्रूवल आपको स्टॉक शेयर से नहीं मिलेगी अब इसमें अंडर राइटिंग की लॉजिक रैशनल क्या हो सकती है देर कुड बी मैनी रीजन लेकिन वन रीजन विच आई कैन थिंक ऑफ के शेयर होल्डर्स का कंपनी के प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट बढ़ाने के लिए क्योंकि शेयर होल्डर जनरली इंडिविजुअल होते हैं दे मे नॉट हैव द कैपेसिटी टू अवेल्युएट द फिजिबिलिटी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट प्रोजेक्टली इसमें यू शुड ऑल्सो रिकॉल कि पब्लिक ऑफर में प्रॉस्पेक्ट्स यूज किया जाता है प्रॉस्पेक्ट्स में हम पब्लिक को अपने उस प्रोजेक्ट जिसकी हम जिसके लिए हम पैसे डिमांड कर रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी शेयर करते हैं हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के कितना पैसा चाहिए अभी हम फिजिबिलिटी करके आए हैं पीछे और अगर हम वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हम क्या ऑपरेटिंग कैश रोज जनरेट करेंगे और उसकी बेसिस पे हम कितनी रिटर्न इन्वेस्टर को दे पाएंगे बाय द वे जो हम नेट प्रोजेक्ट कैश रोज निकालते हैं ना प्रोजेक्ट एंड पे कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो में हो और वन टू थ्री में ये नेट कैश फ्लो नेट इनफ्लोज आ रहे हैं वो हमारी एक तरह की रिटर्न टू इन्वेस्टर होती है ठीक है इस पर मजीद आगे चल के इस टर्म को मज़ीद एबरेट करेंगे अगले किसी सब्जेक्ट में आप जा के मे बी बी एफ डी में बट फिलहाल इतना ही जानना काफ़ी है कि जो हम नेट कैश फ्लोज़ बना रहे होते हैं जिसको हम डिस्काउंटिंग कर रहे होते हैं वो जो नेट कैश फ्लोज की आखिरी रो होती है वो बेसिकली कैश फ्लोज़ टू द इन्वेस्टर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो मैं ये कह रहा था कि नॉर्मली एक ऑर्डनरी इन्वेस्टर में एक कैपेसिटी नहीं होती कि फिजिबिलिटी को एवेल्युएट कर सके किसी इंडिविजुअल को एनपीवी की समझ नहीं आती किसी इंडिविजुअल को आईआरआर की समझ नहीं आती किसी इंडिविजुअल को ये नहीं पता कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टिस में जो फिजिबिलिटी दी है उसका डाटा कितना एक्यूरेट है कितना रिलायबल है कितना उसमें आरएनडी कितनी बेहतर है तो इसीलिए मुझे लगता है जब एक बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं अंडर राइटिंग के लिए तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास तो एक्सपर्ट होते हैं ना उसके पास एक तो पूरी टीम बैठी होती है जो कि फिजिबिलिटी को अनालाइज़ कर सकते हैं असेस कर सकते हैं और अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कोई प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं लगेगा तो उसमें वो शेयर बाय करने की गारंटी नहीं देगा कभी तो शेयर होल्डर को मुझे लगता है कि एक तरह के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है अंडर राइटिंग एग्रीमेंट से कि फॉर एग्जांपल अगर से हबीब बैंक लिमिटेड ने अंडर राइटिंग का एग्रीमेंट कर लिया है कम, एक प्रोजेक्ट के लिए कि भाई अगर मैंने शेयर नहीं लिया हबी बैंक ले लेगा तो मुझे लगता है यार हबीब बैंक पैसा इन्वेस्ट करने की कमिटमेंट करा है, तो प्रोजेक्ट शायद बेहतरी होगा तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इन्वेस्टर का बढ़ जाता है देर अदर देर आर इनफैक्ट मैनी अदर रीजन फॉर अंडर राइटिंग लेकिन एक वजह जो मैं सोच सकता हूँ वो ये भी है कि ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स को एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि भाई ये जो फिजिबिलिटी मुझसे प्रोस्पेक्ट में शेयर की जा रही है ये चार पांच छह बैंकों के एक्सपर्ट्स ने रिव्यू की हुई है जिन्होंने अंडर एग्रीमेंट्स साइन किए हुए हैं सो अंडर गारंटी फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बाय द अनसोल्ड शेयर कोई भी पब्लिक ऑफर विदाउट अंडर नहीं ऑफर की जा सकती अंडर के अलावा पब्लिक ऑफर में एक कॉन्सेप्ट यूज़ और होता है इशूंग हाउस का अच्छा इशूंग हाउस आपको अंडर राइटिंग की फैसिलिटी ये जॉर्मली है सॉरी ये मैं अंडर राइटिंग आपको मैं ये टर्म स्किप कर गया मैंने डायरेक्ट बैंक पे आ गया इशुंग हाउस की टर्म भी यूज की जाती है के अंडर राइटर के लिए इशूंग हाउस नॉर्मली बैंक से ही होते हैं जब मैंने बात की अच्छा एंड आईपीओ के बारे में एक और जो टर्म यूज की जाती है इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव रूट टू मार्केट देयर फॉर कॉमनली सीन विद द लार्जर कंपनीज लुकिंग टू रेज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल आईपीओ में पब्लिक को शेयर ऑफर करके फाइनेंस रेस करना ये एक एक्सपेंसिव रूट है फाइनेंस रेस करने का अच्छा फाइनेंस के बारे में आपने दो चीज़ें याद रखिए फाइनेंस की जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो फाइनेंस की कॉस्ट से रिलेटेड दो कास्ट हैं जो हमें रखनी है एक कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फाइनेंस रेज करने की कॉस्ट जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस और एक होती है कॉस्ट ऑफ फाइनेंस च इज कॉस्ट ऑफ यूजिंग फाइनेंस जैसे अगर सिंपल टर्म में मैं बैंक लोन की बात करूं आप बैंक से लोन लेने जाते हो ना तो बैंक की एक अपफ्रंट प्रोसेसिंग फीस होती है कि जी हम एक परसेंट फीस लेंगे आपसे आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करने की अगर आपके सौ करोड़ की लोन की एप्लीकेशन है तो एक परसेंट एक करोड़ फीस लेंगे हम आपसे इस एप्लीकेशन को अप्रूव करने की दिस इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग फाइनेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस फिर जब हमने सौ मिलियन ले लिया बैंक से उसके बाद शुरू हो जाता है कॉस्ट ऑफ यूजिंग फाइनेंस सालाना इंटरेस्ट देना पड़ेगा एक्विटी में भी ऐसा ही है देर इज फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस देन लेटर ऑन देर इज कॉस्ट ऑफ यूजिंग फाइनेंस विच वी पे इन द शेप ऑफ डिविडेंट तो एक्विटी तो एक्विटी ही है आप आई से लाओ या किसी और सोर्स से लाओ इक्विटी की कॉस्ट तो वही है जो अपने शेयर होल्डर को पे करना है ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस व्हेन यू रेज फाइनेंस थ्रू आईपीओ इट इज द हाईएस्ट क्योंकि आईपीओ में आपको स्टॉक चेंज से अप्रूवल लेनी है उसकी फीसें देनी पड़ेंगी आईपीओ में आपको प्रोस्पेक्टर्स बनवाना है उसकी फीसें देनी पड़ेंगी आई में आपको अंडर करनी है एग्रीमेंट्स लेने हैं उसकी फीसें देनी पड़ेंगी आई में आपको प्रॉस्पेक्टस एडवर्टाइज करवाना है अखबारों में उसके खर्चा करना पड़ेगा आ, आई में आपको पब्लिक को ये कहने हैं कि फलानी रेट तक पैसे फलाने बैंक में जमा कराएं तो बैंकों को कलेक्शन की कमीशन देनी पड़ेगी सो आई की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा है पैसा तो आपके पास पहुंचेगा, लेकिन उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए नॉर्मली आई यूज़ किया जाता है जब कंपनी नीड्स टू रेज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फंड चार अरब छः अरब दस अरब पचास अरब चाहिए तो फिर पब्लिक से पैसा मांगो अगर पाँच दस पंद्रह बीस करोड़ चाहिए तो शायद पब्लिक के पास जाने की जरूरत आपको नहीं है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फिर वो बात करूं कि आपको आईपीओ की कॉस्ट हम समझते हैं स्टॉक से, से अप्रूवल करना अंडर एग्रीमेंट की फीसें देना अखबारों में इश्तेहार छिपाना लेट्स ये कॉस्ट है दस करोड़ अब तो अगर आपने रेज करना ना पैसा से सौ करोड़ तो सौ करोड़ रेज करने के लिए दस करोड़ का खर्चा करना डज नॉट मेक एनी सेंस क्योंकि इट इज इट कम्स टू टेन परसेंट टेन परसेंट इज टू मच हा लेकिन अगर आप जी आपने रेज करना है एक अरब दैन इट मे मेक सेंस कि एक अरब रेज करने के लिए दस करोड़ एक परसेंट बनता है तो एक परसेंट कॉस्ट रेज करने के लिए खर्च करना दैट मे मेक सेंस जनरली एक स्टैंडर्ड समझा जाता है एक से दो परसेंट या दो ढाई परसेंट यहाँ तक आप कॉस्ट स्पेंड कर दो दिस इज जस्टिफाइबल लेकिन अगर आपकी कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंसिस इससे ज्यादा आ रही है देन दैट सोर्स इज नॉट सूटेबल जैसे मैंने कहा कि आईपीओ में जर्नली कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस हाई होती है सो so, इसलिए जब लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए ओनली देन इट इज जस्टिफाइड ओनली देन दिस सोर्स इज जस्टिफाइड हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि कल को आपको कंपनी के लिए फाइनेंस रेज करने जाना है तो यू शुड नो कि कौन सा सोर्स आपके लिए बेहतर रहेगा आपने एक्विटी रेज करनी है तो एक्विटी में आई इज वन ऑप्शन विच इज ऑनि सुटेबल अंडर सर्टन सरकमस्टांसेस जी कोई सवाल अच्छा जी आईपीओ के साथ एक और फ्लोटेशन के लिए ऑप्शन होती है प्राइवेट प्लेसिंग आप फ्लोटेशन में जाना चाहते हैं लेकिन जैसे अभी हमने बात की थी यू डोंट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ फंड यू नीड मॉडरेट अमाउंट ऑफ फंड जैसे मैं ये कहता था सौ दो सौ करोड़ चाहिए एंड यू थिंक के फॉर हंड्रेड टू हंड्रेड मिलियन आई पी ओ इज़ नॉट सूटेबल प्राइवेट प्लेसिंग इज ऑप्शन इज एन ऑप्शन आप प्राइवेट प्लेसिंग के थ्रू भी शेयर फ्लोट कर सकते हो अपने अप्रूवल वही स्टॉक्सचेंज से चाहिए स्टॉक एसचेंज से आप अप्रूवल लेंगे जी मुझे स्टॉक्सचेंज में शेयर लिस्ट करवाने हैं आई वॉन्ट टू ऑफर माई शेयर फॉर सेल बट मैं पब्लिक के पास अभी नहीं जाना चाह रहा आप मुझे लिस्टिंग अलाउ करें लेकिन मैं पब्लिक को अभी शेयर ऑफर नहीं करना चाह रहा आई वॉन्ट टू ऑफर माई शेयर टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंकों को शेयर देना बेचना चाह रहा हूँ मैं अच्छा बैंक भी ना दो तरह के होते हैं एक बैंक जिससे आप लोग फेमिलियर हैं कमर्शियल बैंक होते हैं जिसमें नॉर्मली मेरा आपका या आपकी फैमिली के हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं जिसमें करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे होते हैं पैसे जमा कराते निकलवाते हैं देट इज़ कॉल्ड कमर्शियल बैंक देन देर आर इन्वेस्टमेंट बैंक्स कमर्शियल बैंक कॉरपोरेट एंटिटीज से भी डील करते हैं उनको लोन भी देते हैं पब्लिक से डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करते हैं और पब्लिक के को भी लोन देते हैं लेकिन कमर्शियल बैंक सिर्फ लोन्स डेट्स में डील करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो होते हैं वो पब्लिक के नॉर्मली डे टू डे रूटीन डिपॉजिट से डील नहीं करते हैं। वो पब्लिक से लॉन्ग टर्म फंड्स लेते हैं और उन पैसों को लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक पब्लिक से से पांच दस साल का डिपॉजिट लेते हैं और उस डिपॉजिट को वो डेट और एक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं जैसे अगर किसी कंपनी ने प्रोजेक्ट करना है और कंपनी को प्रोजेक्ट के लिए एक्विटी फाइनेंस चाहिए एंड दे टू गो फॉर प्राइवेट प्लेसिंग प्राइवेट प्लेसिंग क्या है कि आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को अप्रोच करें उनसे कहे कि हमने एक नया प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें इतना पैसा चाहिए वी आर ऑफरिंग आवर सेफ शेयर्स फॉर सेल तो आप कहेंट प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कीजिए प्रोजेक्ट प्राइवेट प्लेसिंग में इन्वेस्टमेंट बैंक का प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिव्यू करेगा अगर उसको प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी समझ आई और स्टॉक चेंज की अप्रूवल्स उसको नजर आ रही है कि हाँ जी ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है तो वो एग्री कर सकता है आपके साथ शेयर्स इन्वेस्ट करने, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक दो चार पाँच छः बैंक मिल के आपको हो सकता है पैसा दे दें अब प्राइवेट प्लेसिंग में अंडर रिक्वायर्ड नहीं है अंडर राइटिंग पब्लिक ऑफर में रिक्वायर्ड होती है आई में रिक्वायर्ड होती है प्राइवेट प्लेसिंग में आपको प्रोस्पेक्ट uh, बनवा के अखबार में छुपाने की जरूरत नहीं है अखबार में छुपाते हो पब्लिक ऑफर के लिए ये पब्लिक ऑफर नहीं है इसमें आप एज अ फाइनेंस मैनेजर सी इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को जाके कन्विंस करते हो अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए इट इज वन टू वन डीलिंग वन कंपनी टू अ बैंक डीलिंग सो इट इज अ चीपर ऑप्शन वेन वी टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ रेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस ठीक है तो पैसा है तो ये भी एक्विटी ना ये भी एक्विटी है आईपीओ से भी एक्विटी आनी है तो एक्विटी इन्वेस्टर की रिटर्न तो वही है कॉस्ट ऑफ यूजिंग फाइनेंस तो वही है हम बात कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस लो है यहाँ पे अगर आपको पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए तो आई से इधर से पब्लिक प्राइवेट प्लेसिंग से नहीं मिलेंगे आपको चार अरब चाहिए दस अरब चाहिए, चाहिए बीस अरब चाहिए पचास अरब चाहिए शायद प्राइवेट प्लेसिंग से नहीं मिलेंगे उसके लिए आपको आईपीओ में जाना पड़ेगा लेकिन आपको एक अरब चाहिए 500 सौ करोड़ चाहिए सॉरी 500 सौ मिलियन चाहिए दो सौ मिलियन चाहिए प्राइवेट प्लेसिंग कुड बी एन ऑप्शन जस्ट गिविंग यू एन आइडिया हम अमाउंट्स पे फोकस ना करें लार्जर अमाउंट चाहिए तो आई मॉडरेट्स अमाउंट्स चाहिए स्मॉलर अमाउंट्स चाहिए तो प्राइवेट प्लेसिंग एन ऑप्शन जी बेटा मेथड ऑफ फ्लोटेशन हम लिस्टिंग तो करवा रहे हैं हम स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टिंग करवा रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे भी पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहे हम यहाँ पे ऑफर बैंकों को कर रहे हैं बैंकों को हमने शेयर्स बेच दिए लेकिन हमारे शेयर लिस्ट हो गए हैं स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट हो गए अब बैंक मार्केट में जाके बेचना चाहे हमारे शेयर बेच सकता है हमारे से खरीदने के बाद कंपनी को पैसे मिल गए हैं शेयर्स इन्वेस्टमेंट बैंक के पास चले गए हैं एक या दो के पास चले गए हैं वो आप मार्केट में ऑर्डनी शेयर होल्डर को पब्लिक को शेयर स्टॉक्स में बेचना चाहें तो बेचें क्योंकि आई में हमने लिस्टिंग की अप्रूवल ली विद सेल टू पब्लिक यहाँ पर लिस्टिंग की अप्रूवल ली विद सेल टू बैंक लिस्टिंग होगी हमारी बैंक को लेकिन सेल अभी हमने बैंकों को की है बैंक आगे जिसको मर्जी बेचें पब्लिक में बेच दें शेयर अब रखना चाहें रखें अपने पास दस साल नहीं रखना चाहते कल बेच दें परसों बेच दें लिस्टेड सेस के साथ यही तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो मार्केटेबल है और बाय द वे इन्वेस्टमेंट बैंक अगर आपकी कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं है आपको अप्रूवल नहीं मिली भी तो शायद वो आपके साथ इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड ही नहीं क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक ने कल को शेयर बेच के अपने इन्वेस्टर को पैसा वापस कर ना तो अगर आपकी कंपनी लिस्टेड ही नहीं है और अनलिस्टेड कंपनी में पैसा डाल दें तो जब इन्वेस्टर पैसा मांगने आएगा वो शेयर कैसे बेचेंगे पैसा कहाँ से लाएंगे क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स बेचना इज नॉट एन ईजी टास्क कितना टाइम लगेगा कितने पैसे मिलेंगे पता ही कुछ नहीं है तो इन्वेस्टमेंट बैंक दे वुड रेयरली इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड कंपनीज। इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी, भी होते हैं जी वैसे मुझे लगता है यूनिट सारी बात ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स के साथ चलती है म्यूचुअल फंड्स के साथ चलती है म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं इस पर भी आगे चल के भी बात करेंगे ये भी एक बहरहाल एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही है जो कि पब्लिक से पैसा ले के इन्वेस्ट करती है डिफरेंट शेयर्स में और एट टाइम शेयर्स के अलावा वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं डेट इंस्ट्रूमेंट पे भी हमने इस चैप्टर में बात करनी है इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी शेयर्स में भी इन्वेस्ट करते हैं और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स भी इसी तरह शेयर्स में भी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं शायद जी इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस कंपनी का मैकेनिज्म क्या होता है इंश्योरेंस कंपनीज़ आपसे पैसा लेती हैं और उसके अगेंस्ट आपको सर्टन रिस्क कवर कर रही होती हैं और उनका एक अपना प्रॉबिलटीज़ के थ्रू एक कैलकुलेशन होती हैं लेकिन मैकनिज़म का कुछ ऐसा ही रहता है कि आपसे जो प्रीमियम वो लेते हैं आ, से सौ लोगों से उसने प्रीमियम लिया उस प्रीमियम को वो कहीं डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं उस प्रीमियम से सौ लोगों की प्रीमियम की इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न जनरेट होती है उसमें से जो दो चार पाँच लोग क्लेम करते हैं उनके क्लेम्स को वो सेटिस्फाई कर लेते हैं और बाकी जो मार्जिन बचता है वो अपने पास रखते हैं दे हैव देयर ओन वे ऑफ कैलकुलेशन जिसमें प्रॉबलिटीज़ का कॉन्सेप्ट वो यूज़ करते हैं काफ़ी डिटेल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है कि हम कितने लोगों से कितना प्रीमियम लें और कितने परसेंट प्रॉबिलिटी है प्रीमियम क्लेम होने की उसके हिसाब से हमें कितना मार्जिन मेंटेन या प्रीमियम मेंटेन करना चाहिए बट येस yes, इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम इकट्ठे करती है पब्लिक से और उसको डिफरेंट आ, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्ट कर रही होती है और कॉन्सेप्ट यही है कि उससे जो रिटर्न जनरेट होगी उस रिटर्न से जो आ, क्लेमेंट होंगे उनके क्लेम्स सेटिस्फाई किए जाएंगे अब इंश्योरेंस कंपनीज की इन्वेस्टमेंट एक्विटी में जाती है या डेट में जाती है तो मुझे लगता है कि नॉर्मली इस तरह के जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने वाली कंपनीज़ होते हैं दे बिल्ड अ पोर्टफोलियो मैंने कभी किसी इंश्योरेंस कंपनी का पोर्टफोलियो देखा नहीं कि उसकी इन्वेस्टमेंट शेयर्स में है या डिबेंचर डेट में है मुझे लगता है शायद इंश्योरेंस कंपनी की ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डेट बेसिस पे रहती होगी एक्विटी इन्वेस्टमेंट में शेयर्स में इन्वेस्टमेंट में शायद उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना जाती हो नैगलीजेबल हो अगर हो तो क्योंकि एक्विटी में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती कितनी आएगी कब आएगी कोई गारंटी नहीं है जबकि इंश्योरेंस का जो मैकेनिज्म होता है वो एक सर्टन कैश पे उसको बिल्ड करना चाहते हैं एक सर्टेनिटी के साथ बिल्ड करना चाहते हैं उसमें कम से कम अपनी अनसर्टेनिटी रखना चाहते हैं जी प्राइवेट प्लेसिंग क्या है रीड थ्रू कर लें ये पॉइंट्स आई बिलीव के शायद आपने पढ़ भी लिए हो मेरी डिस्कशन के दौरान अगर नहीं पढ़े तो रीड थ्रू कर लें ये बुलेट्स और कोई चीज़ समझ नहीं आती पूछिए बेटा प्राइवेट प्लेसिंग में पब्लिक को शेयर्स ऑफर ही नहीं किए जाते आपने स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल ली और बैंक के टेबल पे जाके बैठ गए बैंक से डिगोसिएशन जिसको बैंक को आपने भी थी अब उसके बाद स्टॉक चेंज में शेयर्स आपके लिस्ट हो चुके हैं कोई भी इन्वेस्टर बेचना चाहे स्टॉक चेंज में शेयर बेच सकता है आप खरीदना चाहते हो आप स्टॉक एक्सचेंज में देखो इफ़ एनी इज अवेलेबल यू कैन मेक एम एन ऑफर बाय द शेयर लेकिन आपको अगर स्टॉक थोड़ी सी ट्रेड करने का इतफाक हो तो हर लिस्टेड कंपनीज के लिए स्टॉक मार्केट में से हमने बाय किए एंड वी आर हैपी विद हमें एंड वी डोंट नीड कैश दाई वुड वी सेल आर शेयर तो इफ़ समन एल्स वॉन्ट्स टू बाय दैट कंपनीज शेयर शेयर विल नॉट भी अवेलेबल फॉर सेल इन द मार्केट हाँ अगर हमें जो कि बेचना चाहता है तो मार्केट में जाएगा वो कह गई जी मैं सौ रुपये का बेचना चाहता हूँ लगा दो शेयर स्टॉक मार्केट में कोई बाहर इंटरेस्टेड होगा तो आपसे डील कर लेगा नहीं तो काउंटर ऑफर दे देगा स्टॉक एक्सचेंज में आपने लगा जी मैं ये शेयर सौ रुपए का बेचना चाहता हूँ कोई इंटरेस्टेड है आपसे वो सौ रुपये की आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा नहीं तो कह गई जी मैं नबे में खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ आपके ऊपर है आप नबे में देना चाहते हो या वेट करना चाहते हो सौ रुपये के बाहर का ठीक है तो या आप ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं मैं नब्बे रुपये में फलानी कंपनी का, का शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ नो सैलरी इज़ अवेलेबल इन द मार्केट किसी सेलर को वो ऑफर नज़र आएगी तो कहता है वो सोच सकता है मैं अच्छा मैं बेच देता हूँ नब्बे रुपये में हो सकता है किसी को समझ ना आए कोई बिना बेचने जाए तो स्टॉक चेंज में इन्वेस्टर अपनी बिड्स एंड ऑफर फीड कर देते हैं एडवर्टाइज कर देते हैं बायर इंटरेस्टेड है कोई शेयर खरीदने में तो नंबर ऑफ शेयर्स और प्राइस किस में खरीद में इंटरेस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में वो फीड कर देता है कि मैं इस कंपनी के इतने शेयर इस प्राइस पे खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ सेलर वो प्राइस देखेगा वो ऑफर देखेगा उसको समझ आई तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा अपने शेयर ऑफ बेच देगा अगर समझ नहीं आई तो क्या कहिए मैं इतने शेयर इस प्राइस पर बेचने में इंटरेस्टेड हूँ तो बाज़ का इधर बायर खड़ा हुआ है इधर सेलर खड़ा हुआ है सौदा ही नहीं हो रहा ऐसे ही छोड़ा रहेगा लेकिन दोनों जब भी चाहें प्राइस को क्लोज करके बाइंग सेलिंग कर सकते हैं जी बेटा रिजल्ट इन अ नैरोअर शेयर होल्डर बेस एंड पोटेंशली लोअर लिक्विडिटी इन इन द शेयर्स वंस द कंपनी हैज बीन एडमिटेड द मार्केट आप प्राइवेट प्लेसिंग के थ्रू जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हो तो आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बड़े लिमिटेड होते हैं दो चार पाँच बैंकि हैं ना मार्केट में इसको नैरोअर शेयर बेस कहा जा रहा है और जब आपके शेयर होल्डर्स मार्केट में कम हैं तो नेचुरली बाइंग सेलिंग की ट्रांजेक्शनस भी कम होंगी जिसकी वजह से हम कहते हैं लिक्विडिटी लो है मतलब बायर सेलर मार्केट में ज्यादा हैं तो आप हम कहेंगे कि जी प्रोडक्ट की लिक्विडिटी ज़्यादा है इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन प्राइवेट प्लेसिंग की केस में शेयर होल्डर की बेस नैरो होती है मार्केट में सिर्फ पाँच सात आठ दस जो बैंक हैं वही आपके शेयर होल्डर हैं और जनरली बैंक्स व्हेन दे बाय शेयर दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्विकली सेलिंग इट वो बेचते नहीं हैं, वो लेकर दो चार पांच साल के लिए रख देते हैं तो जब आपके शेयर उन इन्वेस्टर के पास चले गए जो मार्केट में बेच ही नहीं रहे तो इसका मतलब आपके शेयर्स की बाइंग सेलिंग मार्केट में नहीं हो रही और बाइंग सेलिंग नहीं हो रही तो हम कहते हैं इसका मतलब शेयर आर लेस लिक्विड देर आर नो विलिंग बायर दे आर नो, नो विलिंग सेलर इन द मार्केट शेयर आर लेस लिक्विड और लेस लिक्विड शेयर का एक ड्रॉबैक क्या रहता है कि कल को आपने दोबारा जब शेयर्स बेचने होंगे तो फिर शेयर होल्डर का इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है भाई ये शेयर हैं तो सही लिस्टेड लेकिन मार्केट में कोई बायर सेलर नहीं होता कल को मैंने शेयर बेचने होंगे तो मुझसे कौन खरीदेगा ये इन लिक्विड शेयर में ये एक फियर रहता है ऑर्डन इन्वेस्टर को कि भाई बेचने में देख थ्री का लिस्टेड ज़रूर है लेकिन मार्केट ज़रूर है लेकिन बायर सेलर भी तो होना चाहिए ना तो प्राइवेट प्लेसिंग में लिक्विडिटी लो रहती है शेयर होल्डर्स की शेयर्स की जी एनी अदर क्वेश्चन बेटा आप अगर एक कंपनी के हंड्रेड परसेंट शेयर बाहर लोगों को दे दोगे तो व्हाट? इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल कंट्रोल नाम की एक चीज़ होती है ना वो क्या होता है कंपनी चलाने के लिए कंपनी के मैनेजमेंट uh, कंट्रोल के लिए नीड कंट्रोलिंग शेयर्स और जनरली कंट्रोलिंग शेयर्स हम कहते हैं 50% परसेंट से अबव 51% परसेंट शेयर्स को हम कंट्रोलिंग शेयर्स कह सकते हैं अगर आपके पास कंट्रोलिंग शेयर्स नहीं हैं तो आप कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते या एटलीस्ट तब तक मैनेज कर सकते हैं जब तक बाकी के शेयर होल्डर आपको इजाजत दें नॉर्मली कंपनीज जब पब्लिक को शेयर ऑफ़र करती हैं तो दे मेक श्योर पब्लिक को या किसी एक्सटर्नल पार्टी को शेयर ऑफर करती हैं दे मेक श्योर कि जो मैनेजमेंट ग्रुप है दे रिटेन एट फिफ्टी वन परसेंट ऑफ शेयर अगर मैनेजमेंट ग्रुप के पास फिफ्टी वन परसेंट शेयर नहीं हैं तो पब्लिक से कोई भी इंडिविजुअल शेयर्स इकट्ठा करके मैनेजमेंट को गुड बाय करने आ सकता है कि आई जी आप चलिए कल से मैं संभाल लूँगा क्योंकि अब कंट्रोलिंग शेयर मेरे पास आ गए हैं और ऐसा प्रैक्टिकली हमारे साथ पाकिस्तान में हुआ हुआ है एक बड़ा नाम होता था इंश्योरेंस कंपनी में अभी भी है शायद आदम जी इंश्योरेंस आदम जी इंश्योरेंस के साथ प्रैक्टिकली ये हुआ हुआ है कि उन्होंने कंट्रोलिंग मैनेजमेंट ने पब्लिक ऑफर करते हुए प्लेसिंग में जाते हुए कंट्रोलिंग शेयर्स को मॉनिटर नहीं किया मैनेजमेंट के पास लेस देन कंट्रोलिंग शेयर्स रह गए तो एक स्मार्ट बिजनेस मैन है और मैंने हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े आई डोंट टेक द नेम उन्होंने इंडिविजुअली एंड थ्रू देयर इंस्टीट्यूशंस उस कंपनी के सारे शेयर्स उठा लिए मार्केट से और जब सारे शेयर्स उनके ग्रुप में पहुंच गए तो सिंपली वॉकड इन टू सेंड द मैसेज टू द मैनेजमेंट कल से मैं चाहता हूँ कि मैं बैठूँ इस कंपनी के सी की सीट पर तो काइंडली आप ज़रा यहाँ से रिज़ाइन करके घर चले जाएँ एंड दे हर नो ऑप्शन तो एक सक्सेसफुल बिजनेस इतने अरसे का खड़ा किया हुआ डेकेट्स का बना हुआ बिजनेस जो कि टॉप बिजनेस था इंश्योरेंस सेक्टर का हमारे आदमी इंश्योरेंस उसको एक बिजनेस ने स्मार्टली टेक ओवर कर लिया स्मार्टली तो नहीं कहूंगा बेवकूफी थी बिजनेस ऑनर्स uh, की जिन्होंने कंट्रोलिंग शेयर्स अपने पास नहीं रखे सो so, हमने फैक्टर्स भी डिस्कस कर रहे थे ना कल कि फैक्टर्स विच वी शुड कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग एन अप्रॉपरियट सोर्स ऑफ एन एयर उसमें कंट्रोल इज़ आल्सो अ फैक्टर पैसा कहाँ से लाना है कंट्रोल देखो आपको पता होना चाहिए कि एक्विटी से पैसा लाओगे ना तो कंट्रोल डाइल्यूट होता है बाहर लोगों को नए शेयर इशू करोगे ना तो आपकी वोटिंग पावर कम होती है तो आपने ख्याल रखना होता है फाइनेंस रेस करते हुए कि मैनेजमेंट की वोटिंग पावर जो मैनेजमेंट ग्रुप है जो कंपनी को लीड कर रहे हैं उनकी वोटिंग पावर 51 परसेंट से कम ना हो तो अगर आपके मैनेजमेंट ग्रुप की वोटिंग पावर ऑलरेडी 51 वन के खड़ी हुई है इसका मतलब यू कैन नॉट अफोर्ड टू इशू शेयर्स टू पब्लिक आप नए लोगों को शेयर इशू नहीं कर सकते क्योंकि उससे कंट्रोलिंग शेयर्स आपका वोटिंग पावर जो है 51 परसेंट से नीचे चली जाएगी और आपकी कंपनी को कोई भी इन्वेस्टर आकर टेक ओवर कर लेगा बाहर से मेरा ख्याल है ये काफ़ी को दो तीन पैकेट्स पुरानी ट्रांजेक्शन है अच्छा बाय साहब इसी लिए अब एक लॉ में भी एक चेंज होती है कि एक इस चीज़ को अनाउंसमेंट करनी पड़ती है आप एक महल पाँच परसेंट से ज़्यादा शेयर किसी कंपनी का बाय करें ना तो यू हैव टू मेक एन अनाउंसमेंट यू हैव टू मेक इट पब्लिक कि जी मैंने इस कंपनी के पाँच परसेंट से ज़्यादा शेयर खरीद ले हैं सो दैट एवरी वन नोज़ मेरी अगर कोई इंटेंशन है एक्विजिशन की तो पीपल शुड नो कि भाई मैंने इस कंपनी के एक मेजर शेयर्स एक्वायर किए हैं और मैं आइंदा भी ज़्यादा शेयर ले सकता हूँ तो शायद ये उस जमाने से पहले की बात है या उस लॉ को रिसीव किया होगा किसी तरह से क्योंकि तो लॉ में भी तो कोई ना कोई लुकूने होते हैं ना लुकूनों का फ़ायदा उठा लिया जाता है जी कोई सवाल कोई और सवाल जी अच्छा ये एक लास्ट टर्म मेथड ऑफ फ्लोटेशन में है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन uh, में आप कंपनी के सिंपली शेयर लिस्ट होने की परमिशन लेते हो सर, कंपनी सिर्फ अपना स्टेटस चेंज करती है अनलिस्टेड से लिस्टेड में आईपीओ में आप लिस्टेड्स अनलिस्टेड से लिस्टेड हुए लेकिन साथ ही पब्लिक को शेयर भी ऑफर किए प्लेसिंग में अनलिस्टेड से लिस्टेड हुए लेकिन साथ ही बैंकों को अपने शेयर भी ऑफर किए बिकॉज यू नीड फाइनेंस फॉर सम प्रोजेक्ट आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए था तो आपने कहा जी हम लिस्टिंग करवा के पब्लिक से पैसा ले लेते हैं आपको प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए था आपने कहा जी हम लिस्टिंग करवा के बैंकों से पैसा ले लेते हैं तीसरा केस इंट्रोडक्शन है इसमें आपको पैसा नहीं चाहिए आप सिर्फ लिस्टिंग करवाना चाह रहे हैं कि हम अपने शेयर को स्टॉक चेंज में लिस्ट करवा लें जस्ट टू इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ योर शेयर और मे बी टू प्रिपेयर योर कंपनी फॉर सम फ्यूचर लार्जर प्रोजेक्ट्स कि कल को हम लार्जर प्रोजेक्ट करने जाएंगे तो स्टॉक चेंज से जो फॉर्मेलिटी है लिस्टिंग की हम पहले पूरी कर लें क्योंकि स्टॉक चेंज से लिस्टिंग की फॉर्मेलिटी पूरी करने में टेक्स टाइम अक्सर कंपनीज़ को इस प्रिपरेशन में ही सालों लग जाते हैं जैसे आई नो वन ऑफ माई कंपनी माई माई क्लाइंट हु आर इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग देयर शेयर लिस्टेड और वो कुछ दो तीन सालों से काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि हमने लिस्टिंग में जाना है तो हमने एस को सेटिस्फाई करना है हमने स्टॉक चेंज को सेटिस्फाई करना है हमने पब्लिक के सामने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखनी है तो हमारी हर जगह से तैयारी पूरी होनी चाहिए सो इट टेक्स टाइम तो ज़रूरी नहीं कि जब आपको पैसे की जरूरत हो फौरन लिस्टिंग भी मिल जाए आपको तो कुछ कंपनीज लिस्टिंग पहले करवा लेती हैं कभी कल को हमें नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे की जरूरत पड़ सकती है तो हम लिस्टिंग पहले ही करवा लेते हैं अपनी फॉर्मेलिटीज़ पहले पूरी कर लेते हैं तो इंट्रोडक्शन यही है कि आप स्टॉक uh, चेंज की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लो और स्टॉक एक्सचेंज को लिस्टिंग की एप्लीकेशन दे दो उनसे लिस्टिंग अप्रूवल ले लो सो इफ अ कंपनी गेट्स इट्स स्टेटस चेंज फ्रॉम अनलिस्टेड टू लिस्टेड विदाउट रेजिंग फाइनेंस विदाउट रेजिंग एडिशनल न्यू फाइनेंस हम इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए एक प्री जरूर रहेगा हर फैमिली बिजनेस इंट्रोडक्शन हासिल नहीं कर सकता इंट्रोडक्शन के लिए जरूरी है कि आपके कंपनी के कम से कम 25 फीसद शेयर आउट ऑफ फैमिली हों फैमिली से बाहर ऑलरेडी आपके 25 परसेंट शेयर हों वो नॉर्मली प्राइवेट बिजनेसेस कर पाती हैं कि अपने शेयर्स थ्रू प्राइवेट कन्वेंसिंग किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स को बेच पाती हैं या किसी वेल्थ इंडिविजुअल्स को बेच पाती हैं कोई दोस्त होते हैं उनको बेच देती हैं दोस्त भी आउट ऑफ फैमिली कंसिडर हो गया ना तो तो अगर आपके शेयर्स आपकी फैमिली से ऑलरेडी पच्चीस परसेंट बाहर हैं सेवेंटी फाइव परसेंट फैमिली के पास हैं देन इंट्रोडक्शन विल बी परमिस्ट मतलब आप कह सकते हो कि इसका मतलब मैक्सिमम शेयर्स जो मैनेजमेंट ग्रुप अपने पास रख सकता है वो सेवेंटी फाइव है पब्लिक कंपनी में और मिनिमम शेयर जो मैनेजमेंट ग्रुप को अपने पास रखने है, चाहिए असूलन वो फिफ्टी वन है तो इंट्रोडक्शन स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट मीट करें उनकी फ़ीसें भरें और 25 परसेंट शेयर अगर ऑलरेडी जनरल पब्लिक के पास हैं तो आप इंट्रोडक्शन की इजाजत ले सकते हैं <coughs> जी एनी क्वेश्चन कोई सवाल जनरल तो uh, पब्लिक में इस केस के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ जाएंगे पब्लिक फैमिली से बाहर शेयर्स हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसमें कवर्ड हो जाएंगे इसमें इंडिविजुअल भी कवर हो जाएंगे हेल्ड बाई पब्लिक पब्लिक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्यों हो जाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में भी पैसा पब्लिक का ही होता है ना उनमें भी पैसा पब्लिक का ही लगा होता है तो बेसिकली उनके पास भी गया शेयर्स तो पब्लिक के पास चला गया शेयर समझा जाएगा जी कोई सवाल अच्छा जी हमने बात शुरू की थी आज कि हमें डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करके फाइनेंस रेस करना होता है मैं यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूँ एक और मैंने जो आज डिस्कशन में जैसे कहा था पॉइंट और ऐड करते जाएंगे तो आज मैंने एक और फैक्टर यहाँ ऐड कर दिया कंट्रोल का पैसा कहाँ से लाना है यू मस्ट ऑलसो कंसिडर कंट्रोल है वेल ऐसा तो नहीं कि एक्विटी से पैसा लाओ बाहर तो आपका कंट्रोल डेल्यूट हो जाए वोटिंग पावर आपकी कम हो जाए और इतनी कम हो जाए कि आपका मैनेजमेंट आपके हाथ कंट्रोल आपके हाथ से निकल जाए अगर तो आपकी मैनेजमेंट आपके हाथ से नहीं निकलती एक्विटी से पैसा लाने में तो देन एक्विटी इज़ एन ऑप्शन लेकिन अगर आपको लगता है एक्टी से पैसा लाने में आपका वोटिंग पावर इतना कम हो जाएगा आपके हाथ से मैनेजमेंट निकल सकती है देन एक्विटी मे नॉट बी एन ऑप्शन आपको डेट की तरफ जाना चाहिए तो एनी हमने जो बात की डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर करके आप सोर्स ऑफ फाइनेंस सेलेक्ट करते हैं और अगर आपने डिफरेंट फैक्टर कंसिडर करके सोर्स ऑफ फाइनेंस एक्विटी सेलेक्ट किया तो एक्विटी में हमने शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की बात की और फिर इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम मैथड ऑफ फ्लोटेशन को डिस्कस किया हमने कि आप आ, अपने एक्वटी फाइनेंस रेज करने के लिए अपने शेयर्स को आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा सकते हैं और लिस्ट करवा के आप ये तीन मेथड हैं स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग के जिसमें इन दो में आप लिस्टिंग के साथ फाइनेंस भी रेज कर रहे हैं यहाँ पे फाइनेंस नहीं रेज कर रहे सिर्फ लिस्टिंग करवा रहे हैं फाइनेंस कल को आप रेज कर सकते हैं आसानी से क्विकली तो हमने अभी सिर्फ मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन तीन आज डिस्कस किए हैं कोई सवाल जी अच्छा जी आज के लिए इतना ही कल हम एक्विटी फाइनेंस में हमारी थोड़ी सी डिस्कशन रहती है उसको कल कंप्लीट करेंगे और फिर कल ही हम इन शहर डेट फाइनेंस पर भी डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे सोर्स ऑफ फाइनेंस में बहुत ज़्यादा डेप्थ हमारे सिलेबस में नहीं है डिटेल डिस्कशन हमारे ये सी फैफ़ फोर में आने वाली है यहाँ पर सिर्फ आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ही है एक तरह का इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फाइनेंस ही हमारे स्कोप में है ठीक है जी थैंक यू असलम